मैं यहाँ सदर्न फ्रांस में हूँ और ये बड़ी खास बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को कहा जाता है कि ये सदर्न फ्रांस में मिनी इंडिया है। यहाँ पे पीछे जो बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही हैं, इनको क्रायोस्टैट का पार्ट बोला जाता है। ये बिल्डिंग में ईटर रिएक्टर जो है, जिसमें फ्यूजन रिएक्टर बनेगा, उसके कंपोनेंट्स हैं और भारत इसका बराबर का हिस्सेदार है। ये ईटर इंडिया लिखा है, ईटर इंडिया ने यहाँ के कंपोनेंट बनाए हैं। ये क्रायोस्टैट जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा थर्मस फ्लास्क बोल सकते हैं या दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं। ये एक बड़ा कंपोनेंट है, इधर भी बड़ा कंपोनेंट है और इसको हिंदुस्तान में लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बनाया है ईटर इंडिया की मदद से, और बाद में दुनिया के ईटर प्रोजेक्ट में इसको लगाया जा रहा है। ये 3,850 टन का है, कोई मामूली वेट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त वेट है और ईटर रिएक्टर का सबसे भारी भरकम कंपोनेंट है। इसके बगैर ईटर रिएक्टर काम नहीं कर सकता। ईटर की जो क्लैडिंग का पार्ट है, बाहर का पार्ट है, जिसके अंदर ईटर के सारे कंपोनेंट आएंगे, वो क्रायोस्टैट का ही पार्ट होगा और वो भारत ने दिया है। भारत इसमें और भी कंपोनेंट दे रहा है क्योंकि भारत इसमें 1/10 हिस्से का हिस्सेदार है और 7 देश इसको मिलकर बना रहे हैं क्योंकि इतना महंगा है। ये करीबन 20 बिलियन यूरो का प्रोजेक्ट है और अगर सब सही गया तो 2025 तक ये काम करना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं धरती पे जो सूरज बनाने का काम है, उसमें भारत की बड़ी अहम भूमिका है और ये ईटर प्रोजेक्ट में भारत ने ये बड़ा क्रायोस्टैट मशीन बना के दिया है। सदर्न फ्रांस में कड़ाश से पल्लव बागला।